बाड़ू है, नवा टोली है, इन सब गांव के को मिलाकर 1400-1500 एकड़ जमीन उस समय की तत्कालीन झारखंड सरकार लेना चाह रही है। क्योंकि आपके सामने अभी जमीन की समस्या है, मैं आपको संघर्ष के बारे में बता रहा हूं ताकि आपको एक बल मिले, ताकि आपको एक ताकत मिले कि कैसे संघर्ष किया जाता है, महिलाओं ने कैसे लड़ाई जीती। उस गांव में पूरा जो इलाका है वहां नए रांची विश्वविद्यालय का निर्माण करना था। 2004 और 2005 में वहां पर झारखंड की जो तत्कालीन सरस्वत की सरकार थी उन्होंने 1400-1500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की बात की और नए रांची विश्वविद्यालय जो रांची था, रांची में एक विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय, उसकी नई बिल्डिंग बनाने के लिए पूरे क्षेत्र में 1400-1500 एकड़ जमीन लेने की बात पहल सुनी, अधिग्रहण करने की बात की और कई वहां पर लोग आए, राजनीतिक दलों के जो नेता लोग थे गांव को, फोर सदर बदर वहां पर पुलिस पहुंच गई, पूरे गांव को घेर लिया। घेरने की बात जब चलने लगी तो वहां एक अशोक उराव नाम का एक लड़का है, वो आया, दादा हामिद का जमीन था, आपको मतलब हमारा जमीन चला जाएगा, सब नाम नेता लोग भी किया, सब पार्टी लोग भी किया, सब पार्टी भी किया, सब दलाल लोग आ गया, कहा है ठेका ठेकेदारी वहां होगा, पैसा कमाएगा। तो हम बोले यार अब तो एक सप्ताह बचा है, परसों परसों तो पुलिस फोर्स जाएगा, पूरा तोड़ेगा, तो दादा मदद करिए। देखिए कैसे लड़ा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे अंदर विद्यालय एक सप्ताह के अंदर तो पूरा गाँव जड़ा लेकर 1400 सरकार अधिग्रहण कर दे। और जिस हमने हम गांव गए और हमने क्या कहा, पूरे गांव की महिलाओं को जमा किया, हमने कहा कि सब जे दिन पुलिस आवे सब दौरे निकल जाओ और अपन अपन जमीन के पोटर ले, अपनी जमीन के कैसे पोटर, जमीन को कैसे पटवाएगा, जमीन को तो कैसे पटवाएगा, जमीन तो नीचे है। और जिस दिन पुलिस आई पूरे फोर्स के साथ पिटोरिया को घेर लिया, दोनों बाड़ी को घेर लिया, पूरा पुलिस को, अर्जुन मुंडा की सरकार थी, अर्जुन मुंडा वहां हमारे मुख्यमंत्री थे, और पूरी फोर्स भर गई और फोर्स ने अनाउंस करना शुरू किया, डीसी आ गए, एसपी आ गए, सीनियर एसपी आ गए, अनाउंस करना शुरू किया कि इतने देरी के अंदर आप गांव छोड़ दीजिए, आपको छोड़ना, आपको नोटिस दिया गया था, आप नोटिस पर काम नहीं कीजिए, आज आपको जबरन हटाया जाए। 3 घंटा 4 घंटा सामने हुआ हवा होते रहा, लेकिन गांव की महिलाएं जमीन पर आंधे मुंह लेट गया पूरा बच्चा के साथ, यहां से वहां तक पूरा गांव का बच्चा महिला लोग ऐसे जमीन में आंधे मुंह लेट गया, पर जमीन को नहीं छोड़ना है, जमीन को पोटरने का बात कर पाया तो सब सब यहां से वहां तक सब लेट गया, नहीं छोड़ेंगे जमीन। और पूरी फोर्स वहां पर अनाउंस करते रहे कि आप हमारी चलेगा, और हम लोग जो पुरुष समाज के लोग हैं, वहां के जो अगुवा हैं, हम लोग सामने खड़ा रहे कि नहीं अगर होगा तो हम लोग को मारोगे तभी दिया। 4-5 घंटा ये नाटक चला, मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा थे उन्होंने उस वक्त वहां के जो कलेक्टर थे हम लोग के वो वहां पर खड़े थे, उनको फोन आया, मतलब क्या स्थिति है, तो बोले सर इन्हों नहीं छोड़ रहा है, जमीन यहाँ पर तो बोला रिचार्ज करो कर दो, कौन नेता है वहां पर, कौन अगुवाई कर रहा, तो बोला सर रतन सिंह कर रहा, बात कराओ वहां पर अर्जुन मुंडा से हमारी बात होती है मुख्यमंत्री, हमने कहा कि ये मुंडा क्षेत्र है, सुखियांबेगढ़ है, मुंडाओं के राजा राजा मदरा मुंडा का क्षेत्र है, आप मुंडा होकर मुंडाओं को हटाने की बात आप कर रहे हैं, सर माननी चाहिए आपको, सोचना चाहिए, ठीक है हम देखते हैं। और उसके बाद फिर आधा घंटा नाटक चला कि अब मारेगा पुलिस घुसेगा, फिर अर्जुन मुंडा का फोन आया और फिर उन्होंने ऋषि से कहा फिर हमसे बात करो, हम फिर उससे बात किए, बोला तुम नहीं मानोगे, नहीं मानिएगा, हमने नहीं माने,
कार्यकर्ता उन्होंने क्या कहा था, अपने 5-6 घंटा के लिए द्वंद चलता रहा, भाषा भाषी चलती रही, क्योंकि बहुत कुछ हुआ, सीओ वीडियो एसपी पूरा फोर्स भरा हुआ। अंत में अर्जुन मुंडा ने कहा कि अपन पिछले तुम लड़ाई जीत, और पूरे 1400 एकड़ पूरे 1500 एकड़ जमीन गांव का सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया, कौन जीता, महिलाओं को बता, वो लड़ाई जीती गई लड़ाई है। अब उस दिन देश का गांव समाज का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान मुझे दिया गया, मुझे वहां गांव से जहां जहां धरना हो रहा था, जहां महिलाएं लेटी थी, पांव को नवाथान से धोया, मेरे पांव को नवाथान से धोया गया, और ये सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है, माटी का सम्मान इसी को कहते। तो ये जो संघर्ष है, जो एडवोकेट महेंद्र ने बताया कि उसके बाद की कड़ी हुई है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि संघर्ष ही वो रास्ता है, उसके लिए आपको सामाजिक आंदोलन करना होगा, सामाजिक बोली बोलनी होगी, राजनीतिक सोच रखना होगा, राजनीतिक बोली बोलनी होगी, और चुनौती लेना होगा, ललकारना होगा, ऐसे बिना ललकार के संभव नहीं है। आप अंदर आपके अंदर जो मेरे अंदर जो रत्न भरता है उसको निकालना पड़ता है, वहां आपके अंदर जो ताकत है उसको निकालना होगा, और जमीन से आपको सीधे जमीन से जुड़ना होगा, माटी के सौंदर्यपन को आप नहीं पहचानेगा, नहीं समझ सकता, इसलिए इस माटी के सौंदर्यपन को आप पहचाने और चुनौती तो सुने ललकार। दूसरी बात, अभी मैं हवा डाल गया था सर, वहां पर एतहाद की फायरिंग रेंज की लड़ाई चल रही है जो 1992 से शुरू हुई, 245 गांव क्या है उसमें, कि सेना 1741 वर्ग किलोमीटर जमीन पूरा अधिग्रहण करेगी, सेना वापसी फायरिंग करेगी, प्रैक्टिस करेगी, ये योजना 25-30 साल पुराना योजना है, लेकिन कौन लड़ा, वहां की जनता, वहां के महिलाएं हैं, विशेषकर महिलाएं पूरे जंगल में कुतुआ पानी में सत्याग्रह हुआ था, 2.5-3 लाख महिलाएं पुरुष सब दिन एक साथ सेना के सामने खड़े हो गए, नहीं हम तुमको आगे जाने नहीं देंगे, पूरा टॉप टैंक लेके आ गया और वो सामने रहेगा, क्या नारा था, जान देंगे जमीन नहीं, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, जंगल में गूंजता था, उस चोटी में पड़े चिल्लाता था, जब पुकारता था, जब लोग नारा दे देते तो नीचे गांव तक आता था, पैदल जाते थे 20-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर रास्ता पर पहुंचते हैं लोग, अभी 22-23 को वहां 22-23 को मार्च को, और शांतामन को सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं इस बार, राजेश टिकैत, टिकैत का नाम सुना था, अभी किसान आंदोलन चल रहा था, जो किसान आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में पहुंच रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ये जब तक इसको अनवरत आपको लड़ना हो, और ये आपके अधिकार क्षेत्र में है, आपको ये संविधान अधिकार देता है, आप अपनी जमीन की रक्षा के लिए खड़े हो सकते हैं, यह संविधान आपको कहता है कि आपके पास कानून है, आपकी जमीन आपको संवैधानिक रूप से आपके पास संग्रहित रहेगी। अभी फिर मैं मेहमान डार की बात बता रहा हूं, अब आता हूं मैंने ग्राम सभा, ये मैं बैनर देख रहा था, जोनल लेवल वर्कशॉप ऑन माइनॉरिटी लैंड राइट एंड गैप्स इन लैंड रिलेटेड लॉ, ग्राम सभा आपके गांव आपके क्षेत्र में भी ग्राम सभा है, लगता है कि सबने पूरे राज्य पेशा कानून के बाद वर्ष 1996 में जब पेशा कानून बना उसमें ग्राम सभा को असीमित अधिकार दिए गए, मैंने अपने गांव क्षेत्र की जितने भी योजनाएं हैं, चाहे विकास का योजना हो, चाहे पानी लाने की योजना हो, चाहे सड़क बनाने की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, उठने बैठने की योजना हो, तो इन सब सारे जो ग्राम सभा की
अनुमति के बिना, सलाह मशविरा के बिना कोई भी ब्लॉक का एक छोटा सा पदाधिकारी भी नहीं कर सकता। तो ये नहीं कर सकता। तो ग्राम सभा का हम लोग कहते हैं ना, लोकसभा ना विधानसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और ये सच है, ऐसा कानून में स्पष्ट लिखा हुआ, ये आपको कानूनी प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है कि आपको ग्राम सभा के माध्यम से सब कुछ करना। डेढ़ सौ ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान वहां पर जमा हुए अभी चार दिन पहले। क्या योजना किया वो लोग? वहां दो बड़े बांध है, पर्यटन स्थल है बूढ़ाघाट लोध और नेत्रहाट, और जितना भी पर्यटन स्थल है उसका उसके पूरा संचालन की जिम्मेवारी ग्राम सभा को दी जाए। मैंने उसका संचालन, उसका देखरेख, उसका जो राजस्व आएगा वो ग्राम सभा करेगा। तो ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया। और वहां अभी क्या एक ये समझने की बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हमारे गांव में जो हम आदिवासी बहुत क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्राम सभा को सीमित अधिकार है। ग्राम सभा के अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये आप मान के चलिए। और उसी ग्राम उसी कानून के बीच